सबसे मेन बात है बीजेपी आई तो राष्ट्र हिंदू रहेगा अपना। हाँ। ये बात हमें कट्टर सनातनी हिंदू केंद्र में मोदी रहना चाहिए। मतलब एक मिनट तो आपके लिए हिंदू राष्ट्र मुद्दा? हाँ, हिंदू राष्ट्र मुद्दा, सनातन ठोके सनातन के लिए यहाँ बदलाव नहीं, उसके लिए भी चाहे डीजल पेट्रोल सबसे नहीं, सबसे पहले है सनातनी, उसके बाद चाहे पेट्रोल भी 200 हो जाए या खाद भी 500 हो जाए, पर हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर सनातनी हिंदू, चाहे तीन पीढ़ियों को नौकरी ना मिले पर चाहिए राष्ट्र हिंदू। और क्यों क्यों नहीं बेरोजगारी क्यों होगी, सरकार बेकार थोड़ी है वो। अच्छा, कब है बेकार? सब चीज कितना बेकार है, नहीं हिंदू चाहिए, हिंदू मतलब बीजेपी रहेगी तो हिंदू रहेगा। अच्छा, ये बात बीजेपी नहीं, बीजेपी तो अभी मान लो यहाँ 18 साल से है। हाँ। मोदी जी 2014 में आए। हाँ। उसके पहले भी जो यहाँ हिंदू थे, ये कितने लोग हैं जो हिंदू से मुसलमान हो गए? कितने हिंदू यहाँ हुए? पर पहले मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र होता है तो ये सही है। हाँ। अरे सही है, क्या सही है तो बताओ। जैसे ये अभी मुसलमान का हुआ था, मुसलमान की ये देखते है कि मतलब ऐसे कितना अपने यहाँ भी है राकेश मावई कांग्रेस का। हाँ। तो उसके लिए सबसे ज्यादा मतलब कौन बजाया जाता है? हिंदू, वो मुसलमान उसके वो सपोर्ट करते हैं। हाँ। और फिर मुसलमान किसी को सपोर्ट करते तो क्या गलत नहीं, अच्छी बात है सपोर्ट करते हैं वो, अच्छी बात है। बेटा स्टूडेंट हो तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, कॉलेज चल रही है, कॉलेज चल रही है आगरा से, एग्रीकल्चर से बीएससी सेकंड ईयर। बजरंग दल भर्ती हो सकते हो? हाँ, और क्या, जरूर जरूर। हाँ, तो नौकरी का तो अभी मान लो नहीं मिलेगा तो बजरंग दल भर्ती हो जाओगे, पताका लेके मोटरसाइकिल पे निकल सकते हो शोभा यात्रा वगैरह। हाँ, पर क्यों नहीं मिलेगा, नौकरी भी लेंगे ना, पढ़ते भी है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। पर सबसे ज्यादा पहले है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र यही मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है इस देश में। मोदी जी ने ऐसे युवा तैयार किए हैं। आजा बेटा इधर, ऐसे युवा नहीं, बुजुर्ग भी उनने तैयार किए हैं। हाँ। और बच्चे भी किए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो मतलब हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सारी चीजें उनने कितना वो किया, इतना कांग्रेस ने किया क्या पहले? हाँ। ये मोदी जी की जो पॉलिसी है और जो हिंदू मुसलमान डिवाइड एंड रूल और कट्टर हिंदुत्व का जो नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसमें डिवाइडेड कर रहे हो दोनों को, कट्टर हिंदू और वो बता रहे हो कि हिंदू राष्ट्र तो आप खुद डिवाइड कर दे रहे हो, देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संविधान कहता है। नहीं नहीं, आप अगर हिंदू राष्ट्र कर रहे हो, आप खिलाफ कर रहे हो ना, आप डिवाइड कर रहे हो, हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे देश जितना किसी क्या नाम है आपका यतिंद्र, जितना किसी यतिंद्र यादव का है उतना किसी सलमान का है, उसी उतना किसी सुलेमान का, सब चीज का है, सब चीज का है, पर मतलब हिंदू राष्ट्र वो है, वो रहेगा तभी ये बचेगा। कहाँ से हिंदू राष्ट्र पे कोई किताब उताब पढ़ी है? क्या होता है हिंदू जानते हो? हिंदू हमारे बुजुर्ग से चला रहा है और वो है सनातन धर्म। कब से ये मतलब हिंदू मुस्लिम बना कब से? अब इतना नहीं पता, बीजेपी आई है तब हिंदू मुस्लिम, इन्हें पता है क्या कि मुस्लिम कब से बना? कट्टरपंथी बना इसीलिए।